नमस्कार, मैं हूँ सुरभि सिंह और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया चैनल में। कोरोना वायरस का दहशत जहाँ पूरे देश में फैला हुआ है, वहीं हर कोई इस बीमारी से डरा हुआ है। अभी होली के दिन ही 15 और केसेस सामने आए हैं, कुल केसेस 55 हो चुके हैं। वहीं बिहार में इसका अलग ही क्रेज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ इसको लेके अब नए नए गाने सामने आ रहे हैं और कुछ लोग जहाँ इन गानों को एंजॉय करते दिख रहे हैं, वहीं कुछ लोग गुस्सा भी हो रहे हैं कि ऐसी चीज़ों को मजाक बनाया जा रहा है। इससे रिलेटेड हम आपको पूरी जानकारी देंगे, आगे देखें इस रिपोर्ट में। इन दिनों आप जहाँ भी जाएंगे, बसों, ट्रकों, ऑटो और दूसरी गाड़ियों पर, हर जगह आपको तेज आवाज में होली के गीत बजते मिलेंगे। भोजपुरी में बजने वाले इन गीतों को जब आप सुनेंगे तो 4-6 शब्द ही सबसे अधिक मिलेंगे। होली के साथ चोली और लहंगा, एक नया शब्द है कोरोना वायरस। वह कोरोना वायरस जिसने इन दिनों पूरी दुनिया को खौफ ज्यादा कर रखा। इन दिनों बिहार आकर आपको पता चलेगा कि वह कभी लहंगे में घुस गया है तो कभी चोली में। गायक गायिका पूरे उल्लास से कोरोना वायरस के लहंगे और चोली में घुसने का जश्न मना रहे हैं। उस दौर में जब पूरे देश की दवा दुकानों से सैनिटाइजर और मास्क गायब हो चुके हैं, लोग एक दूसरे से हाथ मिलाने में डर रहे हैं, कोई खांस दे तो सामने वाले को दौरा आने लगता है, सो दौर में भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री का यह रवैया आपको हैरत में डाल सकता है। पिछले दिनों इस मसले पर एक अंग्रेजी अखबार में बड़ी विस्तृत रिपोर्ट आई थी। इससे पहले भारत सरकार अपने नागरिकता को कोरोना वायरस के खतरे को लेकर आगाह कर पाती, जन जागरण के लिए प्रचार अभियान चलाती। भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री ने इस वायरस से जुड़े कई गीत फटाफट तैयार कर दिए, मगर वे गीत जागरूकता के लिए नहीं थे। उनका मकसद तो वही पुराना था, कोरोना वायरस को लेकर लहंगा चोली का खेल खेलना। इसलिए उन गीतों में कोरोना वायरस को लेकर बचाव की बातें नहीं थी। यह नहीं बताया गया था कि कोई संदिग्ध व्यक्ति आपके सामने खांस दे तो आपको क्या करना है। यह उस दौर की बात है जब भोजपुरी गीत संगीत परंपरा को भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिसिर जैसे उत्कृष्ट गीतकार, संगीतकार और नाटककारों से पहचान मिलती थी। वे लोक से जुड़े विषयों, खासकर पलायन और अकेली रह गई औरत के विरह पर दिल को छू जाने वाले गीत रचते थे। उन गीतों में करुणा होती थी, प्रेम होता था, परिहास होता था, मधुरे होता था, मगर यह सब अश्लीलता की हद पार नहीं करता था। उस वक्त के गीत आपको गुदगुदाते जरूर थे, मगर कभी उन गीतों ने इतना उत्कृष्ट किस्म का यौन रस नहीं होता था कि आपको सुनकर उपकाई आ जाए। यौनिकता भोजपुरी गीतों का महत्वपूर्ण विषय होती थी, मगर उनका एक अलग किस्म का कल्पना लोक था। वह इतना चीप, नॉन क्रिएटिव, सीधा सपाटा और सीमित संदर्भों वाला नहीं होता था, जब कि यौनिकता को बार बार चोली और घाघरे के उल्लेख की जरूरत नहीं होती थी। अब तो गीत चोली और घाघरे के बिना बन ही नहीं सकती। इस सत्य के बावजूद कि जिस यूपी बिहार में भोजपुरी भाषी रहते हैं, वहीं की औरतें ना घाघरा पहनती है ना चोली। बिहारियों के लिए दिक्कत की बात यह है कि गीत संगीत के नाम पर यही अश्लीलता और फुहड़ता हमारी रचनात्मक पहचान बनती जा रही है। लॉलीपॉप लागेलू को हमारा राज्य गीत मान लिया गया है और बॉलीवुड के किसी भी मंच पर जब भोजपुरी के अभिनेता कलाकार पहुंचते हैं तो उन्हें इस गीत पर जरूर नचाया जाता है। जब यूरोप में कहीं यह गीत बजता है तो बिहारी लहालोट हो जाते हैं। हम एक बार भी नहीं सोचते कि हमने इस गीत के बहाने एक भरी पूरी औरत को लॉलीपॉप जैसे खाद्य पदार्थ में बदलने की घृणित कोशिश की है, और हम अपने तमाम गीतों में यही कर रहे हैं, औरत को यौन उपभोग की वस्तु के रूप में परोस रहे हैं। आज की भोजपुरी फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री की यह एक दुखद पहचान है, मगर दुखद यह है कि महज चंद पैसों के लिए बिहार की संस्कृति को एक फूहड़ पहचान में रिड्यूस करने वाली इस प्रवृत्ति का कहीं जोरदार विरोध नहीं है। ना सरकार इनके नियमन की व्यवस्था करती है, ना समाज से इनके विरोध में कोई आवाज उठती है। एक बड़ी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बदल चुकी भोजपुरी फिल्म
एवं म्यूजिक इंडस्ट्री में बने फिल्मों और गीतों का ठीक से सेंसर भी नहीं होता। यूपी और बिहार में तो निश्चित तौर पर इसकी व्यवस्था होनी ही चाहिए थी। तो अभी आपने देखा कि कोरोना को लेकर एक अलग क्रेज है बिहार में, पर इससे आपको बचने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो आप भी सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।